हमने एक न्यू क्वेश्चन करना है क्लास में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1, अनसॉल्व। हमने अभी इलस्ट्रेशन करी थी लास्ट क्लास में, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 2 मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था, बट आज पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सब साथ में इकट्ठे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो तुमने करा है उसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि तुमने ठीक करा है कि नहीं करा। तो रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, अप्रैल 1 की एंट्री है। रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, अमाउंट है 1 लाख रुपीज। तो इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, तुम लोग करो फिर मैं बाद में सोल्यूशन दूंगा, जल्दी से करो। फॉर्मेट बनाया हुआ है ना सबने, ऐसा पहले से बनाया हुआ है ना, जब तक जर्नल एंट्री करेंगे ऐसे फॉर्मेट के साथ रेडी रहना हर क्लास में। यस सर। चलो करो जल्दी से, पहली एंट्री करो। जब कोई डिफिकल्ट एंट्री आएगी तो मैं समझा दूंगा, पहली वाली बहुत इजी है। नरेशन इस क्वेश्चन की नहीं करता, अगले क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर देते। अप्रैल 1 ऊपर ईयर डाल दो, 2019 डेट के ऊपर। वैसे तो इस जगह पे डालते हैं बट एंटायटी हो रहा था मैंने ऊपर लिख दिया। तो पहले एंट्री का सॉल्यूशन देखो क्या बनेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख रुपीस। किसी का भी अगर गलत है तो मुझे बता देना, चैट में बता देना या फिर माइक से बता देना, तो मैं इसको समझा दूंगा एंट्री को। अदरवाइज करते रहते हैं साथ साथ, अपना चेक करते रहो। उसके बाद है सेकेंड पेड इनटू बैंक, इसको समझ के करेंगे। पहले यहाँ देखते हुआ क्या, ये टेबल यूज करना है ना हमें हर एक जर्नल एंट्री में। तो यहाँ पे मैं सेकेंड नंबर डाल रहा हूँ क्योंकि सेकेंड एंट्री कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास दो चीजें इन्वॉल्व क्या, पहले वो चेक करेंगे, बैंक और कैश। इन दोनों का फिर नेचर चेक करेंगे, कैसे पता लगेगा, पहले तो देखना ना ये है क्या, ये क्या, ये एसेट है, तो एसेट का नेचर डेबिट है, तो पहले इनका डेबिट नेचर लिख देंगे आगे। फिर इसके बाद अब रेड पेन से मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। देखो बैंक में पैसे आ रहे हैं और ऑफिस का कैश कम हो रहा है, तो जो डेबिट नेचर वाले आइटम को मेरे को बढ़ाना है तो सेम करूंगा डेबिट, डेबिट नेचर वाले आइटम को मुझे घटाना है तो क्रेडिट करूंगा। जल्दी से करो इसको। डेट है अप्रैल 2 और अमाउंट है 20,000। सर हाँ जी बोलो। सर दो चीजें ही आएंगी हमेशा हर एक पार्ट में? नहीं ऐसा नहीं है, किसी जर्नल एंट्री में 3 भी आ सकती है, बट अभी हमने स्टार्ट करा ना, तो बेसिक बेसिक चीजें कर रहे हैं। जब तुम्हारा ये स्ट्रांग हो जाएगा ना तो जर्नल एंट्री को और डिफिकल्ट डिफिकल्ट जर्नल एंट्रीज आने लग जाएंगी। अभी जो तुम एकदम बेसिक कर रहे हो उसके बाद जर्नल एंट्री के चैप्टर में देखो क्या है। अभी तो बेसिक के बाद आएंगे, पहले प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह वाली, प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, इसी तरीके से इनकम का हो गया। फिर उसके बाद आएंगे डिस्काउंट वाली, डिस्काउंट करना तुम्हें सीखना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट। फिर उसके बाद जीएसटी वाली एंट्रीज आएंगी, जीएसटी लगाना सीखना पड़ेगा। फिर उसकी जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। फिर अब नॉर्मल लॉस आएंगे, अगर आग लग गई तो क्या होगा। तो अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है जनरल एंट्रीज, तो अभी तो हमने बस स्टार्ट करा है। तो पहले स्टार्ट में तो बेसिक बेसिक दो आइटम्स वाली जनरल एंट्री आएंगी, ज्यादा वाली कर लेंगे आने तो। चलो मैं इसका सोल्यूशन बना देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, किसी का भी गलत होएगा तो मुझे बता देगा। बॉट गुड्स फॉर कैश, ये तुम कर सकते हो, हमने पहले भी बहुत बार करी है। मैं 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद सॉल्यूशन बनाऊंगा। डेट है अप्रैल 3, अमाउंट है 50,000। एक आइटम डेबिट होनी है, एक आइटम क्रेडिट होनी है, ये तुमने बताना। करूं मैं सॉल्यूशन, चेक कर लो अपना अपना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, इसके अकॉर्डिंग परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, कैश एसेट है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, इसलिए हमने ऐसे करा।
चलो आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के ऊपर देखो क्या लिखा है, विदाउट जीएसटी। अभी हम जीएसटी करना सीखे तो अप्रैल 4 ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अच्छा ये देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑफिस यूज, इसका मतलब वो पैसे ऑफिस में लिख के आया, तो ये ड्रॉइंग्स नहीं हुई। अगर पर्सनल यूज लिखा होता या ऐसा कोई भी एक्सपेंस होता जो उसके घर का होता है, वो उसने पेमेंट करी होती या घर ले गया होता पैसे, तो ड्रॉइंग्स हो जाता। तो अभी तो हमें ड्रॉइंग्स नहीं करनी है। अभी तो जो यहाँ पे एंट्री पास करी थी ना, इसका रिवर्स हो जाएगा। कैसे होएगा देखते हैं। अप्रैल 4, अब कैश बढ़ रहा है, देखो यहाँ देखो अब कैश बढ़ रहा है डेबिट नेचर वाला, तो उसको हम डेबिट करेंगे, और बैंक घट रहा है डेबिट नेचर वाला, तो बैंक को क्रेडिट करा जाएगा। एकदम ऑपोजिट हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किसी का भी गलत हुआ है तो वो पूछता चलेगा साथ साथ। अगर मैं तेज कर रहा हूँ तो मुझे बता देना, अगर तुम लोग पीछे रह रहे हो तो मैं थोड़ा धीरे करता हूँ। और अभी जो हमने समझी थी पहली जर्नल एंट्री की क्लास में, उसमें हमने क्या सोच समझा था, एक होती है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि बिल। फिर उसका बनता है वाउचर, उस पर लगते हैं रूल्स डेबिट और क्रेडिट के। फिर उसके बाद बनती है जर्नल एंट्री। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो ट्रांजेक्शन हमें वो दे रहा है, हम लगा रहे रूल्स और डेबिट और क्रेडिट के, और पास कर रहे जर्नल एंट्री। क्योंकि क्वेश्चन में वाउचर बनाने को नहीं बोल रहा ना, डॉक्यूमेंटेशन करने को बोल रहा है, हमें तो अकाउंट्स बनाने हैं। तो अकाउंट्स बनने कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जर्नल एंट्री से। इसलिए रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट सीखने जरूरी है जर्नल एंट्री पास करने के लिए। वाउचर हमारे पास थ्योरी का है, तो उसको अभी साइड कर देते हैं। तो अभी हम ये कर रहे हैं, अगली ट्रांजेक्शन लेते हैं। अप्रैल 13 की करते हैं हम एंट्री, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ₹15,000। अब यहाँ पे फॉर कैश नहीं लिखा, आगे सारा ब्लैंक है, तो इसका मतलब कृष्णा को हमने उधार पे सामान बेचा। तो कृष्णा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखते हैं। अप्रैल 13 की एंट्री है, तो इसके अंदर दो चीजें क्या इन्वॉल्व है, एक तो कृष्णा और दूसरा क्या हुआ, सेल हो गई। तो कृष्णा क्या हुआ, उसने हमें पैसे देने हैं, वो हो गया डेटर। डेटर होता है एसेट, और डेटर का नेचर हो गया डेबिट। सेल हमारे लिए रिवेन्यू है, रिवेन्यू का नेचर हो गया क्रेडिट। अब बाकी तुम समझदार हो, कर सकते हो एंट्री, जल्दी से करो। तो पहले मैं अमाउंट लिख लूंगा, मैं फिर यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिख के, डेबिट और टू लिख के टाइम पास कर रहा हूँ, तब तक तुम सोल्यूशन बना लिया करोगे। फिर जब यहाँ वाला लिख लूँ मैं, तो इसको चेक करते करते साथ में अमाउंट लिख लेना, क्योंकि अमाउंट में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट तो सीधे सीधे डालने हैं। चलो एंट्री करते हैं, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू, कृष्णा के साथ अकाउंट नहीं लगा रहा मैं, टू सेल्स। सर हाँ जी, सर टू कब लगाना है? टू क्रेडिट वाले आइटम में लगाएंगे ना, जहाँ 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 क्रेडिट है। देखो सेकंड लाइन में हमने सब जगह क्रेडिट लिखा है, यहाँ पे भी क्रेडिट है, एक आइटम डेबिट हो रही है ऊपर वाली और नीचे वाली क्रेडिट हो रही, तो जहां जहां क्रेडिट हो रहा है वहां पे हम टू यूज कर रहे हैं, डेबिट के लिए हम डेबिट यूज कर रहे हैं। ओके सर। बॉट गुड्स फ्रॉम शाम, अब यहाँ पे भी मेरे पास कैश नहीं लिखा, तो 22,500 के गुड्स मैंने शाम से उधार पे खरीदे हैं। करते हैं इसकी एंट्री, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 20 अप्रैल की एंट्री करते हैं। दो चीजें क्या इन्वॉल्व है, एक तो शाम, दूसरा परचेज। परचेज मेरा एक्सपेंस है डेबिट, शाम मेरी लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिट नेचर की हो, तो लाइबिलिटी बढ़ानी है और एक्सपेंस भी बढ़ाना है। बाकी तुम बनाओ सॉल्यूशन, मैं भी करता हूँ। 22,500, किसी का गलत होएगा तो मुझे बता देगा साथ के साथ, हम सही कर लेंगे, समझ के कर लेंगे। ये तो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, इसको समझा समझा के भी करा सकते हैं अभी। यहाँ पे अभी मैं एक काम करता हूँ, ये एंट्री ना मेरे पास डिस्काउंट वाली आ गई है, ये है कैश डिस्काउंट। तो अभी मैं वाली एंट्री को स्किप करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें डिस्काउंट कराया नहीं है, तो डिस्काउंट वाली एंट्री पर्टिकुलरली मैं स्किप करा रहा हूँ, ये वाली नहीं कर रहे अभी हम लोग। इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्काउंट सीख के कर लेंगे, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, कराने को आज करा सकता हूँ, मेरे पास पीपीटी भी रेडी है। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार ही पहले सिंपल क्वेश्चंस और कर लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, करते हैं इसके बाद वाली। अच्छा इसमें भी डिस्काउंट है, तो इसको भी स्किप कर देते हैं, शाम वाले को भी।
कैश सेल्स फॉर द मंथ वाली करते हैं यहाँ से, 30 अप्रैल की 80,000 की कैश सेल हो गई है सर। हाँ जी बोलो बोलो। आप अगली क्विज कब दोगे? अगली क्विज पहले वाला चैप्टर अकाउंट्स वाला, उसकी एक क्विज दे दो, थोड़ा वो भी रिपीट हो जाएगा फिर। वो भी दे देता हूँ मैं, और ये भी दे देता हूँ इसके अंदर जर्नल एंट्रीज के भी कुछ टॉपिक्स डाल देता हूँ जो कवर हो सकते हैं। कैश सेल्स फॉर द मंथ है 80,000 की, करते हैं इसको। दो चीजें क्या इन्वॉल्व है, सेल्स और कैश। सेल्स का नेचर तुम्हें पता है, क्रेडिट कैश का पता है, डेबिट दोनों आइटम बढ़ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये वाली हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं इसलिए हम फटाफट करा दिए। पेड रेंट, पेड सैलरी 5,000 और 10,000। तो अभी देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी एंट्री अलग अलग भी कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें एक थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम अलग अलग करो इसकी एंट्री। यहाँ मैं समझा देता हूँ, इधर छोटी वाली कॉपी में समझा देता हूँ, फिर मैं इसकी कंबाइंड एंट्री कर दूंगा। किसकी? ये जो दो ट्रांजेक्शन है इनकी मैं कंबाइंड एंट्री कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही डेट की ट्रांजेक्शन है। बट तुम ऐसे करना मत, जब अलग अलग ट्रांजेक्शन लिखी है तुम्हें तो तुम अलग अलग कर सकते हो, बट मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ अगर कंबाइन कर सकते हैं तो कैसे कर सकते। दो चीजें क्या इन्वॉल्व है लास्ट की ट्रांजेक्शन में, एक तो था रेंट और दूसरी थी सैलरी की ट्रांजेक्शन। सैलरी और रेंट दोनों का दोनों एक्सपेंस है, तो दोनों का नेचर हो गया डेबिट, और हमने दोनों के दोनों पे कर दी तो कैश कम हो जाएगा, कैश का नेचर भी डेबिट। बस इसको पास करो जल्दी से एंट्री को, मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, फिर तुम कंबाइन एंट्री अपने पास करना। चलो मैं भी अलग अलग एंट्री पहले पास करता हूँ फिर कंबाइन करता हूँ। ये एंट्री होंगी, रेंट कितने का था एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। रेंट था 5,000, सैलरी थी 10,000, तो मैं कर देता हूँ। इन दोनों एंट्रीज को कंबाइंड एंट्री पास करना चाह रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन स्कूल में मैम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि इनकी कंबाइंड एंट्री पास कर दो, बट जब अलग अलग दिया तो रिकमेंडेशन यही है कि ऐसे ही करना अलग अलग, क्योंकि इस केस में मार्क्स नहीं कटेंगे, वैसे तो कंबाइंड में भी नहीं कटेंगे, बट टीचर जब अलग अलग दे रहा है तो वो चाहता भी अलग अलग है। तो अभी वंश ध्यान से देखना, तुम कह रहे थे कि दो लाइन की जगह दो लाइन से ज्यादा भी आ सकती है, और इस एंट्री के अंदर 3 लाइन है, तो अभी मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ डेबिट किस किस को करना है। एक तो रेंट को डेबिट करना है और एक सैलरी को डेबिट करना है, तो कर देते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। तो अभी रेंट और सैलरी का तो अमाउंट मैं लिख देता हूँ 5,000, 10,000, और कैश में इन दोनों का टोटल लिख दूंगा कि टोटल कैश गया 15,000। और जब भी ऐसे एंट्री करो तो एक चीज चेक करना कि डेबिट कॉलम का टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट कॉलम का टोटल। क्रेडिट में और भी आइटम्स हो सकती है, जैसे 3-4 लाइन तक जा सकता है, बट इन दोनों का टोटल बराबर होएगा तो ही तुम्हारी जर्नल एंट्री सही है, अदरवाइज तुमने कुछ गलती कर ली। मैंने क्या करा, दोनों डेबिट को एक साथ लिखा, कैश को कंबाइन करके लिख दिया, इन दोनों को कंबाइन करके एक ही एंट्री में पास कर दिया। अब तुमने कंबाइंड एंट्री पास करनी है तो फटाफट करो, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। हाँ जी सर, अगर दूसरी ट्रांजेक्शन में कैश की जगह जैसे कुछ और होता तो यहाँ पे बैंक होता। अच्छा, ऐसे हाँ ऐसे मानते हैं कि इधर इसने कैश की पेमेंट करी है, इधर बैंक की पेमेंट करी है, बाकी सबको करने दो, इसको भी कंबाइन कर देंगे। अब 5,000 कैश से गए हैं, 10,000 गए हैं बैंक से, बाकी सबको करने दो, एक मिनट में रुक रहा हूँ, बाकी सबको यहाँ पे कंबाइंड एंट्री करने दो, फिर वो वाली कंबाइंड एंट्री भी मैं करके। क्या क्या दो आइटम्स मैं डेबिट करूंगा? एक्सपेंस देखो यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, एक्सपेंस तो मैं डेबिट करूंगा ना, और फिर एक एंट्री में मुझे कैश को क्रेडिट करना है, दूसरे एंट्री में मुझे बैंक को क्रेडिट करना है, ऐसे ही करेंगे ना। तो मैं कंबाइन कर रहा हूँ उनको, अप्रैल 30 की डेट थी, पहले एक्सपेंसेस लिख देता हूँ, पहले दोनों के दोनों डेबिट वाली आइटम्स लिखी जाएंगी, फिर उसके बाद दोनों क्रेडिट वाली आइटम्स लिखी जाएंगी। तो
डेबिट क्या हो रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एक हमने पे करा कैश से, दूसरा हमने पे करा बैंक से, लो ऐसे कंबाइन कर दो। अब यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, रेंट में कितना अमाउंट आएगा हमारे पास 5,000, सैलरी पे करी हमने 10,000, यहाँ पे भी 5,000 हमने कैश में पे करा, 10,000 हमने बैंक से पे करा, ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं। अब दोबारा देखो, डेबिट साइड का टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट साइड का टोटल। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर चलते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 की मैं सारी ट्रांजेक्शन्स तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, तुमने अपना अपना चेक करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है, लिख लेते हैं उसको, मैं विद नरेशन कर रहा हूँ। अगर तुमने नरेशन नहीं लिखी और तुम्हारे पास नरेशन लिखने की जगह है तो साथ साथ नरेशन लिख लो, कहीं जगह हो सकता हो, कहीं जगह हो सकता है नहीं है। और ऐसे भी हो सकता है, अगर तुमने ऐसे कंजेस्टेडली कर लिया होगा ना, एक बार देखो, ऐसे कंजेस्टेडली कर लिया होगा तो यहाँ बीच में पेंसिल से लिख लो, ताकि डिफरेंशिएशन, अगर मैं यहाँ पे पेंसिल लिख दूंगा ना तो सब एक लगेगा, तो तुम बीच में किसी और पेंसिल लिख दो, पेंसिल से लिख लो, दूसरे कलर के पेंसिल लिख लो, जिससे तुम्हें डिफरेंट पता लग जाए कि हाँ ये ट्रांजेक्शन यहाँ खत्म, दूसरी वहां स्टार्ट। मैं जल्दी जल्दी करूंगा इसको, साथ में तुम अपना अपना चेक करते रहना। नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश, 5 लाख बाय चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो अभी यहाँ पे देखो क्या क्या आइटम्स इन्वॉल्व है। मैं इसकी दो एंट्रीज भी कर सकता हूँ, सिंगल एंट्री भी कर सकता हूँ, मैं दोनों टाइप से करके दिखाऊं। डेट नहीं गिवन तो डेट की जगह मैं डालूंगा सीरियल नंबर। पहले एंट्री क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू कैपिटल, कितना था 50,000 पहली एंट्री ये। इसके बाद दूसरी क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये कितना था 5 लाख। अब मैं इसकी कंबाइंड एंट्री करता हूँ और नरेशन भी डाल लेता हूँ। कंबाइंड एंट्री क्या होगी, यहाँ पर लिख लेता हूँ अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, या तो ये या तो नीचे वाले, तो तुम्हें अपना टाइम बचाना तो इधर कर दोगे। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हम कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई गलत नहीं करेगा, और यहाँ पे हमसे एक्सपेक्ट भी करा जा रहा है कंबाइंड है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर उसने आइटम्स इन्वॉल्व कर दी, तो यहाँ तो हम कंबाइन करेंगे। उधर क्या था वो वाला भी देखते हैं, वहां पे क्या था हमारे पास, वहां पे था हमारे पास दो अलग अलग ट्रांजेक्शन थी, ये अलग ये अलग, उनको तो मैंने जबरदस्ती कंबाइन करा था। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक्सपेक्ट करा जा रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि हम करेंगे एक ही ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे ज्यादा बेटर यही है कि तुम एक ही करो। अलग भी कर दोगे ना तो भी नंबर नहीं करना चाहिए, तो तुमने क्या करा, टाइम वेस्ट करा अलग करने से। अब कंबाइन करते हैं इसको, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ पे आएगा 50,000, 5 लाख, और कैपिटल में टोटल आ जाएगा 5,50,000। नरेशन में लिखूंगा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इतनी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, या तो ये या तो और क्या लिख सकता हूँ, बीइंग नितिन कमेंस बिजनेस विद कैश एंड बैंक, सॉरी चेक, ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, बट मैंने छोटा लिख। अगर इसी तरीके से कोई और एसेट आ रहा होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, मशीनरी ला रहा फॉर वो एग्जांपल घर से, या बिल्डिंग ला रहा, कुछ भी एसेट और लेके आ रहा, तो उसको अकाउंट डेबिट करके यहाँ पे 1,00,000 रुपीज का है, और उस केस के अंदर मैं 6,50,000 कर देता कैपिटल को। आगे करते हैं, ही डिपॉजिटेड 5,000 ऑफ कैश इनटू बैंक। अभी ऑफिस का पैसा उसने बैंक में जमा करा दिया, तो सेकंड ट्रांजेक्शन में इधर डाल रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना कराया 5,000 रुपीज कराया, तो 5,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और नरेशन में लिखूंगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बस इतना लिख कर नरेशन खत्म कर देंगे। किसी का अगर आंसर डिफरेंट हो तो डिस्कस कर लेना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ ट्रांजेक्शंस बीच में न्यू है, डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, उनको तो मैंने एक्सप्लेन करना है, बट ये सिंपल है, ये हम चीजें कर चुके। परचेज गुड्स फॉर 5,000 अगेंस्ट कैश, तो
तो अभी उसने गुड्स खरीदे हैं 5000 के कैश में, तो यहाँ पे मैं थर्ड ट्रांजेक्शन करूंगा। अच्छा एक चीज और सुन लो, अभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम इसको यूज करके ही सही करो, डायरेक्टली तुम्हारे से गलती होगी। मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ डायरेक्टली, ताकि तुम लोग चेक कर लो, क्योंकि ये होमवर्क का था। तुम लोगों ने अभी ऐसे रफ में ये करके ही करना है, अदरवाइज गलतियां होंगी। अभी आज की क्लास में करो, इस बार का होमवर्क करो, फिर नेक्स्ट क्लास से देखना डायरेक्टली हो रहा है नहीं हो रहा है। इतना तो कम से कम करो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उसने कैश में खरीदा था सामान, गुड्स खरीदे थे 5000 रुपीज, बीइंग गुड्स परचेस्ड। तुम और स्पेसिफाई कर सकते हो फॉर कैश, बट मैं इतना ही करके चल रहा हूँ। हमें क्या करना है, ऊपर वाली ट्रांजेक्शन के नीचे समरी देनी है कि हुआ क्या, और बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में देनी है, कुछ रट्टा नहीं मारना इस लैंग्वेज। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेस्ड बिल्डिंग एंड पे 2,50,000 बाय चेक। तो अभी चेक इन्वॉल्व है, तो पेमेंट कहाँ से हो रही है, बैंक से, और हमने एसेट खरीद लिया बिल्डिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्डिंग एसेट है, उसको डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा गया है। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड 2,50,000। इसके बाद क्या है, एंट्री हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स हरी एंड कंपनी फॉर रुपीज 1,00,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमने उधार पे लिया है गुड्स, तो कहते हैं इसकी एंट्री परचेज, तुम्हें पता है डेबिट होता है, परचेज तुम्हें पता है डेबिट होता है, तो जो दूसरा है मेसर्स हरी एंड कंपनी वो लाइबिलिटी बन जाएगा, तो मैं उसको लिख देता हूँ टू मेसर्स हरी एंड कंपनी, और ऊपर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ये मेसर्स हरी एंड कंपनी लाइबिलिटी है, क्रेडिट नेचर होता है, इसलिए इसको क्रेडिट करा जाएगा। मैं लिख देता हूँ बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मैं क्रेडिट के शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सीआर। तुम ऑन क्रेडिट की जगह फ्रॉम मेसर्स हरी एंड कंपनी भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी है, अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, हर टीचर अलग अलग लिखवाएगा, बुक में भी अलग मिलेगी। हाँ जी सो पर इस ट्रांजैक्शन कैश से हुई थी परचेस, तो उसमें भी मतलब नरेशन में मेंशन करना होता है। हाँ फॉर यहाँ पे ना ऑन क्रेडिट लिखा है ना मैंने यहाँ पे, तो तुम फॉर कैश लिख सकते हो उधर। ओके सर ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नरेशन, तो देखो हमें हर एक जर्नल एंट्री पे लिखनी है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, नरेशन फॉर्मेट का पार्ट है, और नरेशन लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। अगर एक जर्नल एंट्री फॉर एग्जांपल एक नंबर की है और तुमने नरेशन नहीं लिखी, तो आधा मार्क कट जाएगा, इतना कट सकता है आधा। वैसे तो 25-40% के बीच में कुछ भी कट सकता है, तो 25-40 कौन कटता है, आधा ही कटता है इसलिए। तो दूसरी चीज क्या है, अगर तुम लिखोगे तब भी एक में से एक ही मिलेगा, तो लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, बट ना लिखने के मार्क्स कटेंगे। चाहे तुमने ये मेन चीज, जो ये मेन चीज है किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, ये 100% सही कर लिया है, फिर भी मार्क्स कटे। तो अगली ट्रांजेक्शन क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने सेल कर दी थी कैश में, ट्रांजेक्शन थी 50,000 से, तो 50,000 लिख लेते हैं। Being goods sold for cash. उसके बाद सेवेंथ नंबर है, sold goods on credit to Messrs. Ramesh and Company 25,000 के। तो Messrs. Ramesh and Company मेरे लिए क्या हो गया, debtor, debtor का मतलब asset, तो Ramesh and Company debit to sales 25,000 के। Being goods sold to Ramesh and Company. अब देखो कभी मैं यहाँ पे क्रेडिट यूज कर रहा हूँ, कभी फॉर कैश लिख रहा हूँ, उससे पहले मैंने फॉर कैश नहीं लिखा था, अब कंपनी का नाम लिख रहा हूँ, चार अलग अलग तरीके से नरेशन दे दी। तो ये सारी की सारी सही है, बट तुम्हारे ऊपर है कौन सी डालनी है, कौन सी तुम डाल सकते हो, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा है। पर लेकिन कई बार क्या होता है ना, पेपर में मार्क टाइम कम रह जाता है और टाइम होता नहीं है, फिर भी हमें नरेशन लिखनी पड़ती है, तो उस केस के अंदर लिख देना सिर्फ बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड परचेज, फटाफट लिख के करना पेपर। अगर
एकदम पेपर खत्म होने वाला और टाइम नहीं है तब ऐसे करना, अदरवाइज थोड़ा सा लिख देना, एक्सप्रेस कर देना, बस ये है लॉजिक। मेसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स फॉर ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव। तो अब ये वाली समझ के करते हैं, रमेश एंड कंपनी का मैं बैलेंस मेंटेन करके चल रहा हूँ कि मैंने उससे लेने हैं ₹25,000। रमेश एंड कंपनी क्या मेरे लिए डेटर है, नेचर क्या हुआ डेबिट, एसेट हुआ ना, और सेल्स जो कि रेवेन्यू है उसका नेचर हुआ क्रेडिट। तब यहाँ ध्यान से देखो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ। रमेश एंड कंपनी से पैसे कम मिलेंगे, अब तो वो तो कम हो रहा है, उसको हम करेंगे क्रेडिट, और जो सेल्स है ना वो भी कम हो रही है तो उसको करेंगे डेबिट। बट ध्यान रहे, सेल्स नहीं लिखना, सेल्स रिटर्न लिखना है, नाम चेंज करना है उसका, क्योंकि सेल्स वापस होती, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी 5,000। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बीइंग गुड्स रिटर्न कि टाइम कम रह गया तो इतना लिख के छोड़ दूंगा, और टाइम है तो लिखूंगा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रमेश एंड कंपनी करते हैं। वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि किसी स्कूल में कुछ नरेशन बोल लेंगे, किसी स्कूल में कुछ नरेशन बोल लेंगे, और बुक में अलग लिखी होगी। तो नरेशन तो समरी है जो हम अपनी लाइन में दे रहे हैं, उसका इतना स्ट्रेस नहीं लेना। ऊपर की ट्रांजेक्शन अगर तुम्हें समझ में आ गई, वहां अंडरस्टैंडिंग है, तो नरेशन कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है एकदम। गुड्स रिटर्न टू मेसर्स हैरी एंड कंपनी एट कॉस्ट प्राइस ₹4,000। तो इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। हरी एंड कंपनी मेरे लिए क्या था, लाइबिलिटी था ना, तो उसका नेचर हो गया क्रेडिट, और जो उससे मैंने सामान परचेज करा हुआ था उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ परचेज रिटर्न, और परचेज का नेचर होता है डेबिट, इसलिए अब देखते हैं क्या करना है। ये कम हो रही है, ये भी कम हो रहा है, तो क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट, परचेज को कम, हरी एंड कंपनी डेबिट टू परचेज रिटर्न कितने कहते हैं 4,000। हमें तो 4,000 लिखना है, कॉस्ट प्राइस पे ही लिखना है, इसको भी तो हमने कुछ प्रॉफिट पे बेचा है ना। देखो आप, 4,000 का सामान था 5,000 में बेचा है, 1,000 का प्रॉफिट है। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से निकलेगा, जर्नल का काम नहीं है प्रॉफिट निकालना, किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने कैलकुलेशन आएगी, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बीइंग गुड्स रिटर्न लिख सकते हैं, या फिर टू हरी एंड कंपनी पूरा लिखते हैं, बीइंग परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं, बीइंग सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, अब ये चीज नोट करने वाली है, कहीं पे नोट करो, सेल्स रिटर्न, ये मेरा ऑफिस है, ऑफिस की बिल्डिंग है, मैंने सेल करी इधर से किसको, रमेश एंड कंपनी, उसने मुझे वापस करा, तो मेरे ऑफिस के अंदर वापस आ गया ना सामान, पहले मैंने सेल करा तो बाहर गया था, अब वापस करा तो वापस आ गया, तो अभी सेल्स रिटर्न का अल्टरनेटिव नेम क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड, या तो ये नाम यूज कर सकते हो या तो ये नाम यूज कर सकते हो। यहाँ पे सेल्स रिटर्न यूज करा ना मैंने, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं रेड से, उसकी जगह यूज कर सकते हो रिटर्न इनवर्ड, दोनों का सेम मीनिंग निकलता है, बट कहीं पे ये यूज करते हुए दिखेंगे तुम्हें टीचर्स, कहीं पे ये यूज करते हुए दिखेंगे। नाम है जैसे तुम्हारे घर का नाम कुछ और है और ऑफिशियल नेम कुछ और है जो स्कूल में लिखा हुआ है, वैसे ही है बस, और कुछ नहीं है इसमें फर्क। उसके बाद क्या है, परचेज की बात करनी है हमने, परचेज रिटर्न तुमने किससे कर रहे थे, हरी से परचेज करी थी ना, तो हरी से जब परचेज करी तो सामान अंदर आया, जब रिटर्न करी तो बाहर गया, तो क्या लिखोगे इसका नाम, रिटर्न आउटवर्ड। ये लॉजिक ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं ये सिंपल से चीज नहीं बताऊंगा, रिटर्न इनवर्ड क्या, रिटर्न आउटवर्ड क्या, आधी जनता तो यहीं पर ही क्वेश्चन गलत करके आ जाती। अभी देखना तुम्हारे फ्रेंड्स जो होंगे ना, जो अभी ताजे ताजे इस चीज को सीखेंगे, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड एक ही चीज होती है, एक बार उनसे ऐसे पूछ लेना रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, उल्टा बोल देंगे कई बार, बट थोड़ा सोच के बोलना और सही बोलना, ये जो मैंने समझाया यहाँ, इन छोटी छोटी चीजों में गलती नहीं होनी चाहिए। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, अब चेक है तो
तो ऑब्वियसली बैंक से ट्रांजेक्शन हुई है, और सैलरी क्या है मेरे पास, एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 की थी ना, हाँ 15,000 बीइंग सैलरीज पेड। अच्छा इधर इतना एकदम पूरा है, यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम बैंक या बाय चेक, इतना लिख दिया, इतना पूरा 11th के लेवल पे ये पूरा है, इसमें और कुछ ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं। पेड रेंट फॉर रेसिडेंस, यहाँ पे देखो क्या वर्ड है, रेसिडेंस मतलब घर का खर्चा पे कर रहा है, कैसे पे कर रहा है, चेक से। तो अब इसको हम समझ के करेंगे, अब ये ऑफिस का खर्चा नहीं है, मैंने क्या बताया था ऑफिस अलग प्रोप्राइटर अलग, तो इसको यहाँ समझेंगे। पैसे घर जा रहे हैं तो ड्रॉइंग हो रही है, ये चीज ध्यान रखना। तो अभी यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, कैपिटल कम हो रही है ना, कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट, वो कम हो रही है तो वो डेबिट होगी, बट इसको कैपिटल से नहीं लिख के करेंगे, इसको लिख के करेंगे ड्रॉइंग से, क्योंकि ड्रॉइंग हुई है, कैपिटल नहीं लिखना, डेबिट करेंगे, ये चीज समझानी थी इसलिए कैपिटल लिख के करा। और बैंक से पैसा गया तो वो क्रेडिट होएगा, तो ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, सॉरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, 11th ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 का रेंट था घर का। अभी यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है पूछ लो, ये 11th वाली एकदम नई थी, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न हमने थोड़ा सा पहले समझा हुआ है, ड्रॉइंग्स वाला देख। सर ये हमने सबसे छोटा वाला कॉलम क्यों बनाया है, ये LF वाला जो बताया था ना, इसमें कुछ लिखते नहीं है, बट क्या लिखते है वो हम समझेंगे थोड़े दिन बाद, अभी पहले इसको करते हैं, जब हम लेजर करेंगे ना तो इसको समझाऊंगा यहाँ क्यों है, इसका नाम भी देखो लेजर फोलियो रहेगा। अभी इसमें हमारे सिलेबस में इसमें कुछ भी नहीं लिखवाएंगे, खाली बस बना के छोड़ देंगे और ना बनाने के मार्क्स काटेंगे, चाहे लिखना कुछ ना। ठीक है। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द मंथ 1,000 इन कैश, तो कर देते हैं इसको, अब उसमें लिखा नहीं घर के ऑफिस के, तो हम तो यही अज्यूम करेंगे ना कि ऑफिस के लिखा है, क्योंकि ऑफिस की ट्रांजेक्शन्स है सारी, हमें जो भी ट्रांजेक्शन्स गिवन होगी ना बुक में या क्वेश्चन में, वो बाय डिफॉल्ट ऑफिस ट्रांजेक्शन्स है, जब तक वो बोलेगा नहीं घर का तब तक नहीं मानेंगे घर का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू, कैसे पे करा था उसने, कैश में, टू कैश 1,000। मैं नरेशन में लिख रहा फुल स्पीड में क्वेश्चन कर रहा हूँ, जहां दिक्कत होगी वहां पे थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा, तुम अपना अपना चेक कर लो। इसके बाद है टेलीफोन चार्जेस पेड ₹500 इन कैश, मैं इन दोनों को कंबाइन करके कर सकता था बट मैंने नहीं करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेट ही नहीं गिवन, मुझे क्या पता एक दिन हुए अलग अलग हुए, कंबाइन होने की कंडीशन भी यही है सेम डेट पे होएगा। टेलीफोन एक्सपेंस टू कैश 500, जिसका गलत होएगा मुझे बोल देगा या तो चैट में या तो इधर। बट ऑफिस फर्नीचर ₹25,000 अगेंस्ट चेक, तो अब एक एसेट आ रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट होगी, नरेशन लिखोगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड और ऊपर के एक्सपेंस में लिखोगे बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंस पेड, चलो मैं नरेशन बताता रहूंगा साथ साथ, तुम लोग लिख लेना। पेड मिसेस हरी एंड कंपनी ऑन अकाउंट 50,000 बाय चेक, करते हैं इसको सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। अच्छा इसको समझ के करेंगे, इसको समझ के करेंगे, हरी एंड कंपनी लाइबिलिटी है ना, तो नेचर क्या हुआ क्रेडिट, और बैंक अकाउंट एसेट है नेचर हुआ डेबिट। तो हरी एंड कंपनी पे जो हमने उधार ले रखा था हरी एंड कंपनी से, वो उधार कम हो रहा है और बैंक से पेमेंट हो रही है, दोनों चीजें कम हो रही है, इसको करेंगे डेबिट, इसको करेंगे क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बनेगी हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, डेबिट गलती से लिख दिया फ्लो में। रिसीव्ड फ्रॉम मेसर्स रमेश एंड कंपनी 5,000 बाय चेक, अब हमने इसको उधार पे सामान बेचा हुआ था तो ये हमारा डेटर है, तो रमेश क्या है हमारा डेटर है, तो डेबिट नेचर है, और हमें एक सेकंड चेक करूं कैश मिल रहा है बैंक से।
इसमें पैसे मिल रहे, भाई चेक मिल रहा है तो मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, दोनों का नेचर डेबिट। तो रमेश जो हमारा एसेट है डेटर वो कम हो रहा है क्योंकि उसने पैसे दे दिया, वो और पैसे नहीं देगा और बैंक भी हमारा बढ़ रहा है। तो ये क्रेडिट ये डेबिट, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी 15,000 रुपए की पेमेंट आई है बींग अमाउंट, मैंने AMT लिखा अमाउंट का, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर के लिए मैं DR लिख रहा हूँ, वैसे डेबिट होता है पूरा लिख के देते हैं डेटर। तो ये तुमने शॉर्ट फॉर्म नहीं लगानी, अगले लाइन में जा रही है, जाने दो नरेशन, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि क्लास खत्म होने से पहले क्वेश्चन कंप्लीट करा। पेड एडवांस 20,000 बाय चेक्स टू मेसर्स अभी एंड सन्स, इसको समझ के करना बहुत जरूरी है। हमने किसी को एडवांस दिया, किसी कंपनी को, तो किस लिए दिया होगा, कुछ सामान लेना है ना उससे। एडवांस दिया तो किस लिए दिया, कुछ सामान लेना, बट वो सामान अभी आया नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हाँ ये एसेट बन जाएगा। तो एडवांस टू अभी एंड कंपनी, ये तो बन गया एसेट डेटर डेबिट नेचर का, इसको करेंगे डेबिट। और पेमेंट हुई है, पेमेंट या तो कैश से हुई या तो चेक से हुई है, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, नहीं है स्पेसिफाइड है, मैंने चेक करा तो उसमें लिखा है बाय चेक। तो बैंक अकाउंट मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एडवांस टू सप्लायर, और सप्लायर का मेरे पास नेम है तो मैं लिख देता हूँ एडवांस टू अभी एंड कंपनी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा दिया मैंने, पैसा मैंने दिया 20,000 रुपए। नरेशन में लिखूंगा बीइंग एडवांस पेड टू सप्लायर। तो अगली ट्रांजेक्शन पर चलते हैं, इसको कंप्लीट करना है मुझे। रिसीव्ड एडवांस बाय 30,000 बाय मेसर्स अजय एंड कंपनी। अब मुझे एडवांस मिला है, तो मुझे एडवांस मिला है तो मतलब मैंने सेल करनी है उसको, तो इसको समझते हैं। तो मैं लिख लूंगा एडवांस फ्रॉम, क्या नाम था उसका, अजय, तो अजय एंड कंपनी। और दूसरा बैंक में पैसा मिला है, तो दोनों चीजें बढ़ रही है, बट अजय एंड कंपनी क्या लाइबिलिटी है, क्यों लाइबिलिटी है, अगर मैं उसको सामान नहीं दे पाया तो मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। पहला नंबर ये, जो उसने मुझे पैसे दिए उसके अगेंस्ट मुझे सर्विसेज देनी है या कुछ गुड्स देने हैं, तो इसलिए मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो ये हो जाएगी क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट क्योंकि बैंक में पैसा आया। तो मैं ट्रांजेक्शन क्या लिखूंगा यहाँ पे, सॉरी जर्नल एंट्री क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम अजय एंड कंपनी 30,000। पेड 1,000 फॉर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का क्या है, एक्सपेंस है। अच्छा, स्टेशनरी को एसेट भी ट्रीट कर सकते हैं, वो अभी नहीं कर रहे, स्टेशनरी को मैं एक्सपेंस मान के चल रहा हूँ। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पेमेंट हो चुकी है, उधार नहीं हो रही अभी, 1,000 रुपीज। वो एसेट कब बनते हैं करेंगे आगे डिस्कशन, कि स्टेशनरी को एसेट भी बना सकते हैं, आने दो उस क्वेश्चन को। मैंने शायद समझाया भी था इसको, ध्यान नहीं मुझे, समझाया था, ठीक है दोबारा से समझा देंगे अगर किसी को नहीं याद। तो नितिन विड्रू 1,000 फॉर हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश, तो कैश कम हो रहा है, तो कैश कम होता है तो क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट, और डेबिट किसको करेंगे, ड्रॉइंग्स को, क्योंकि वो पैसे घर ले गया। कितने, 10,000 रुपीज, बस खत्म है।